हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्या एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ भारत का भौतिक स्वरूप डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले मैं भारत के बारे में सामान्य जानकारी जो थी भारत की, ठीक है, भारत के भूगोल से संबंधित जो भी सामान्य जानकारी थी मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं भारत का भौतिक स्वरूप क्या है उसके बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सामान्य जानकारी में एक चीज हमारे नोट्स में परसों जो था, ठीक है, तो उसमें एक स्किप हो गया था कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा प्लेस है वर्ल्ड में, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान भारत का, पहले स्थान पर चीन। या इसकी हम सीधी सी बात है कि ट्रिक हम इसको लेके चले कि सिया और आईबी पाकिस्तान गए। ये हमारे उन कंट्रीज की ट्रिक है, यानी कि मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज, ठीक है, उनके लिए ट्रिक है कि सिया CIA सिया और IB पाकिस्तान गए। तो सी से हमारा आ जाता है चाइना, आई से इंडिया, ए से आ जाता है हमारा अमेरिका, आई से आता है इंडोनेशिया, बी से आता है ब्राजील और फिर आता पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद बात करते हैं तो बांग्लादेश, रूस, ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो मोस्ट पॉपुलेटेड फाइव कंट्रीज या जो एरिया में होती है कम से कम पांच, तो आपको इसका तो सीरीज याद होना ही चाहिए। कई बार क्या करता है कि वो सीरीज में लगा के दे देता है और बोल देगा कि आपके पास इनके में से आपने करेक्ट जो है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और इसमें से आपको करेक्ट छानना है। तो सामने देखिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके। तो मोस्ट मतलब कम से कम तो आपके पास एटलीस्ट पांच कंट्रीज तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप में सबसे पहले आप देख रहे होंगे आप ब्लैक बोर्ड जो बोर्ड पे जो बना हुआ है, तो जो सबसे ऊपर जो मैंने बनाया हुआ ये है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो है वो चार भागों में बांटा गया है। चार भागों में पहला जो हमारा आता है पंजाब हिमालय, दूसरा आता है कुमाऊं हिमालय, तीसरा आता है नेपाल हिमालय और चौथा आता है असम हिमालय, ठीक है। आपको अच्छे से याद हो जाए इसलिए इसको इस तरीके से बांटा हुआ है, ठीक है। एक शॉर्ट में आप देख सकते हैं फिगर की तरह आप याद रखेंगे इसको, तो आप वेस्ट से, ठीक है, और ईस्ट की तरफ जाइए, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है। तो पहला हमारा पंजाब हिमालय जो आपका सिंध से सतलज तक का एरिया आता है, सिंध नदी से सतलज तक का एरिया आता है हमारा पंजाब हिमालय, फिर सतलज नदी से काली नदी तक, ठीक है, वो आता हमारा कुमाऊं हिमालय। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, इससे पहले जो वीडियो मैंने सामान्य जानकारी भारत की बताई है, तो भारत और नेपाल के बीच काली नदी बहती है, वो क्या करती है, दोनों के बीच एक बाउंड्री का काम करती है, ठीक है, एक सीमा बनाती है। तो ये चीज यहाँ पे देखिए काली नदी आपके पास फिर से आ गया यहाँ पे कि भारत और नेपाल के बीच काली नदी है, ठीक है। फिर नेपाल जो है, तो काली नदी से नेपाल का जो एरिया है, काली नदी से तीसरा तक का जो एरिया है, जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर में, वो है नेपाल की, नेपाल हिमालय, और तीसरा से दिहांग तक है असम हिमालय, ठीक है। दिहांग जो है वो ब्रह्मपुत्र को असम में उसका नाम है दिहांग, यानी कि जो असम में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है, तो इसमें लिखा गया। तो जो पंजाब हिमालय की जो हमारी स्ट्रेंथ है, यानी कि जो लेंथ है, वो है 560 किलोमीटर। कुमाऊं हिमालय की बात करें 320, नेपाल हिमालय की बात करें 800 और असम हिमालय की बात करें 720 किलोमीटर। तो ये जो है हमारा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन से भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.7% के लगभग जो है वो पर्वत चोटियों या जो ऊंचे जो भी पहाड़ वगैरह है उनमें गिना जाता है, ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.7%। ये तो था भारत का प्रादेशिक विभाजन। आप साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत शॉर्टली इसको लेके चल रहा हूँ ताकि पॉइंट्स यहाँ पे सिर्फ आपके साथ की पॉइंट्स हम जिसको कह सकते हैं कि नोट्स की जो की पॉइंट्स, तो वही लेके चलेंगे यहाँ पे, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि भारत की संरचना जो है, भारतीय संरचना एवं धरातल के आधार पर भारत क्या है, ठीक है, जो भौतिक संरचना है, भारत की भौतिक संरचना एवं धरातल के आधार पर भारत को पांच भागों में बांटा गया है।
कितने भागों में? पांच भागों में बांटा गया है। नंबर एक आता है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, जो हमारा उत्तरी पर्वतीय जो क्षेत्र है, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्र तटीय मैदान। ठीक है, तो जो उत्तरी पर्वतीय भाग है, तो जो पर्वतीय जो भाग है ऊपर का, ठीक है, तो उसको चार भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय भाग को जो है चार भागों में बांटा गया है। तो जैसे कि सबसे पहले ट्रांस हिमालय हो गया, लघु एवं सॉरी महान एवं बृहत हिमालय जो हमारा हो जाता है, लघु एवं मध्य हिमालय तीसरा है, और ऊपर से नीचे की तरफ यानी जब नीचे लास्ट है जो है बाह्य हिमालय, इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। चार भाग में बांटा गया, तो आप चाहे उसको नीचे से ऊपर की तरफ लर्न कर लें या ऊपर से नीचे की तरफ लर्न कर लें। ठीक है, तो पहला हमारा था ट्रांस हिमालय, उसके नीचे हम आते हैं महान हिमालय या बृहत हिमालय, ग्रेटर हिमालय इसको बोला जाता है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय तीसरा, और चौथा आता है शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय यानी कि आउटर हिमालय। ठीक है, चार भागों में इसको बांटा गया है। तो ट्रांस हिमालय में जो हमारी काराकोरम श्रेणी जो है, काराकोरम पर्वत रेंज, ठीक है, पर्वत श्रेणी जो है, और जासकर हो गया, लद्दाख हो गया, ये सारा हमारा ट्रांस हिमालय में आता है। ट्रांस हिमालय का जो काराकोरम श्रेणी में है वहीं पर हमारी K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो है आपके काराकोरम रेंज में स्थित है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ट्रांस हिमालय में स्थित काराकोरम श्रेणी में गॉडविन ऑस्टिन K2। ठीक है, जासकर श्रेणी हो गया, लद्दाख हो गया, ये सारे के सारे यहाँ पर स्थित है। इसी की जो श्रेणी है कश्मीर हिमालय, ट्रांस हिमालय में आता है कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय ट्रांस हिमालय में आते हैं। ठीक है, इसमें कोई अलग उसका पार्ट नहीं है, ये तो कश्मीर का एक भाग है कश्मीर हिमालय। तो कश्मीर हिमालय में जो है वो करेवा के लिए बहुत माना जाता है, यानी कि जाना जाने वाला क्षेत्र है। करेवा एक प्रकार की आपको मिट्टी होती है जिसमें जाफरान की खेती की जाती है, जाफरान की खेती की जाती है। अभी 2019 के एग्जाम में, यूटेट एग्जाम में पूछा गया था करेवा के लिए, पूछा गया था करेवा कहाँ पाया जाता है, तो असम हिमालय था, कश्मीर हिमालय था, बृहत हिमालय थे, सारे के सारे ऑप्शन बनाए हुए थे। और साथ ही जाफरान की खेती के बारे में भी पूछा गया था कि जाफरान की खेती कहाँ पर की जाती है, तो जाफरान, ठीक है, तो इसके लिए क्या जो था करेवा के लिए प्रसिद्ध है, और जाफरान की खेती इसमें क्या है की जाती है कश्मीर हिमालय में, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में हमारा ये आता है। अब इसमें कुछ और चीजें हैं, जैसे कि बृहत हिमालय की बात करें तो यहाँ पे आता है कि जोजिला दर्रा, ठीक है, पीर पंजाल में आता है, पीर पंजाल में बनिहाल हो गया, जासकर में जैसे कि फोटला हो गया, पीर पंजाल हो गया, ठीक है, जासकर में जैसे कि फोटला दर्रा हो गया, ठीक है, तो ये सारे आपके इसी क्षेत्र में आते हैं, ट्रांस हिमालय में आते हैं। अगला जैसे कि हमारे पास कश्मीर हिमालय का जो क्षेत्र है वो इसी में, जो कश्मीर हिमालय क्षेत्र है इसी में हमारे मीठे पानी की झील जैसे कि वुलर झील और डल झील स्थित है। वुलर झील भी आपके कश्मीर हिमालय में है, ट्रांस हिमालय में है, और डल झील भी आपके ट्रांस हिमालय में स्थित है। साथ ही यहाँ पे जो खारे पानी की झील है पेगोंग सॉ, ठीक है, जम्मू कश्मीर में पेगोंग सॉ जो खारे पानी की झील है वो भी आपके कश्मीर हिमालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कश्मीर हिमालय में स्थित है। तो अगला देखते हैं हम इसमें, साथ ही जो यहाँ पे जो बृहत हिमालय की ट्रांस हिमालय की हम बात करें, जैसे कि अमरनाथ गुफा हो गया, अमरनाथ की गुफाएं यहीं पर है, और वैष्णो देवी मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर भी आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र में ही स्थित है। साथ ही यहाँ पे अगर बात करें इसको, तो जो चरार ए शरीफ, ठीक है, चरार ए शरीफ भी यहीं पर स्थित है कश्मीर ट्रांस हिमालय में ही, और ट्रांस हिमालय के उत्तरी कश्मीरी क्षेत्र में, ठीक है, उत्तर पश्चिमी कश्मीर में, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है या उत्तर पश्चिमी हिमालय में उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बसा हुआ है जो वैष्णो देवी और अमरनाथ गुफाएं, अमरनाथ की गुफा और साथ ही चरार ए शरीफ। तो हमारे ये जो पॉइंट है कि ट्रांस हिमालय में क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले तो हमारे जो पे पर्वत श्रेणी आती है, काराकोरम हो गया, जासकर हो गया, लद्दाख हो गया, काराकोरम में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। ठीक है, साथ ही हम इसमें देखें कि कश्मीर हिमालय जो है वो करेवा के लिए जाना जाता है, और इसमें जाफरान की खेती यहाँ पर बहुत अधिक की जाती है। साथ ही इसमें जो वुलर झील है और डल झील भी स्थित है। ट्रांस हिमालय में ही हमारी अमरनाथ गुफा, वैष्णो देवी और चरार ए शरीफ जो है, ये सारी चीजें यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम महान हिमालय या बृहत हिमालय।
या ग्रेटर हिमालय जो भी हम इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आप नोट्स साथ साथ बनाते जाइए, या अगर समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज करके या रिवर्स करके फिर से आप दोबारा से नोट्स बना सकते हैं। मैं शॉर्टली आपको नोट्स बता रहा हूं ताकि क्लियर से याद रहे सारी चीजें। अगला लेके चलते हैं हम महान हिमालय, जिसको हम महान हिमालय को हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है बर्फ से ढका हुआ रहता है, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो एवरेज स्पीड है, सॉरी एवरेज हाइट है, वो 6000 मीटर है। ऊंचाई जो इसकी है 6000 मीटर के आसपास क्या है, आसपास का क्षेत्र क्या आता है 6000 तक की, इस पर जो ऊपर जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, महान हिमालय या वृहत हिमालय आता है। इसी में हम आ रहे हैं, इसी में जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी महान हिमालय में विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी क्या है, माउंट एवरेस्ट है ना। तो माउंट एवरेस्ट भी इसी में से है, महान हिमालय वृहत हिमालय में ही माउंट एवरेस्ट स्थित है। उत्तराखंड की जैसे कि नंदा देवी पर्वत चोटी हो गई, ठीक है, नंदा देवी हो गया, और जैसे कि कंचनजंगा हो गया, नंगा पर्वत हो गया, कामेंच हो गया, तो ये सारे पर्वत श्रेणी जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, नंदा देवी, नंगा पर्वत, कामेंच, ये सारे पर्वत श्रेणियां जो हमारी हैं वो ग्रेटर हिमालय में स्थित है। तो ग्रेटर हिमालय के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन इसी पर्वत श्रेणी के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे नंदा देवी जो है वो कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है या किस हिमालय में स्थित है। ऑप्शन में चारों चीज आपके पास दे दी जाएंगी, महान हिमालय में है, बृहत हिमालय में है, सॉरी महान हिमालय में है, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, किस में है, तो कहां पर स्थित है, महान हिमालय में स्थित है। क्वेश्चन आपके पास इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, वो डायरेक्टली इसी तरीके से देखेगा। अभी यार एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन ये कि पीर पंचाल श्रेणी जो है वो कौन से हिमालय में स्थित है, पीर पंचाल श्रेणी कौन से हिमालय में स्थित है। आप पीर पंचाल श्रेणी तो ठीक है, लेकिन जैसे कि हम बात करें ऊपर, अभी हमने ट्रांस हिमालय में पढ़ा था कि जो जोजिला दर्रा है वो पीर पंचाल श्रेणी में है, ठीक है। जोजिला दर्रा क्या है, हिमालय में जो बृहद हिमालय में जोजिला दर्रा पीर पंचाल की जो श्रेणी में जाता है, तो वो आपका ट्रांस हिमालय में आपने पढ़ा। लेकिन यहाँ पर अभी जब बात करें कि जो पीर पंचाल की जो श्रेणी है वो आपकी है कहाँ पर, एग्जैक्टली जो है वो लघु हिमालय में है पीर पंचाल जो है, ठीक है, तो आपका लघु हिमालय में हो। तो चलिए हम महान हिमालय के बारे में पढ़ चुके, ऐसे क्वेश्चन आपके पास बनकर आएंगे। तो महान हिमालय और वृहत हिमालय, महान हिमालय को लघु हिमालय जो होता है या मध्य हिमालय जो होता है उनके बीच जो मेन जो डिवाइड करते हैं दोनों को, वो है मेन सेंट्रल ट्रस्ट। मेन सेंट्रल ट्रस्ट जो है वो ग्रेटर हिमालय को लघु हिमालय या कि मिडिल जो हिमालय है उससे क्या करती है, अलग करती है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। तो अब लेके चलते हैं कि लघु हिमालय के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो लघु हिमालय में हमारे पास यहाँ पर है, इस श्रेणी में हमारे पास जैसे कि जो लघु हिमालय की बात करें तो यहाँ पे हमारे से मैंने आपको पहले बताया कि पीर पंचाल हो गया, मसूरी हो गया, नागटिब्बा हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, ठीक है। ये सारे जो आपके जो पर्वत श्रेणियां हैं या जो पर्वत हैं या जो भी स्थान है, पीर पंचाल, मसूरी, नागटिब्बा, कुल्लू मनाली, ठीक है, दार्जिलिंग वगैरह जो सारे हैं, ये सारे के सारे कहां पर हैं, लघु हिमालय में स्थित है। कहां पर स्थित है, लघु हिमालय में स्थित है। यहां पर क्या होता है कि एल्पाइन जो होते हैं घास के मैदान यहां पर पाए जाते हैं, एल्पाइन घास के मैदान, एल्पाइन घास के मैदान लघु हिमालय की श्रेणी में ही पाए जाते हैं, जिसे किसको लघु हिमालय श्रेणी में यानी घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मर्ग, यानी कि गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि जो है वो एल्पाइन घास के मैदानी होते हैं और जो हमारे लघु हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। साथ ही इसके अकॉर्डिंग या इसके अलावा उत्तराखंड में भी ये होते हैं एल्पाइन घास के मैदान, जिसको उत्तराखंड में बोला जाता है, इन उत्तराखंड कॉल्ड भुग्याल अनपयार वगैरह जो भी है, ठीक है, भुग्याल कहा जाता है इसको या पयार वगैरह जो हम इसको यहाँ पे उत्तराखंड में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो एल्पाइन घास के मैदान जो होते हैं या तो जम्मू कश्मीर में होते हैं और या उत्तराखंड में होते हैं, और जम्मू कश्मीर में इनको मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग के नाम हैं, और साथ ही यहाँ पर उत्तराखंड में बहुत सारे भुग्याल पनियार हैं, ठीक है, तो उनको इसी घास के मैदानों को उत्तराखंड में भुग्याल या पनियार के नाम से जाना जाता है। बाकी हम इसके बारे में श्रेणियां जो भी स्थान है, पीर पंचाल, मसूरी, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग, नागटिब्बा वगैरह जो सारे आते हैं वो आपके लघु हिमालय क्षेत्र में आते हैं। लघु हिमालय क्षेत्र की बात आता है हमारा शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय को जो लघु हिमालय जो अलग करता है वो मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग करता है। किससे अलग करता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट से लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय एक दूसरे से अलग होते हैं। शिवालिक हिमालय का जो
कुछ चीजें यहाँ पे कुछ घाटियां पूर्वी घाटी भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ घाटियां पाए जैसे पूर्वी घाटी में काठमांडू हो गया, काठमांडू घाटी ये पूर्वी घाटी के रूप में आ जाता है। और बात करें पश्चिमी ओर की जो घाटियां हैं तो दून एवं द्वार क्षेत्र को बोला जाता है, दून एवं द्वार पश्चिमी घाटी क्षेत्र को शिवालिक की जो है वो क्या कहला जाता है, सो दून एवं द्वार कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं को पुराणों में जो है शिवालिक को शिवालिक मतलब शिव अलग, शिव धन अलग से इसका उत्पन्न हुआ है। तो शिव अलग मतलब जो उनकी भौं है इनको कहा जाता है। ठीक है, तो शिव की भौहों के रूप में भी इसको वाली श्रेणी को जाना जाता है। और साथ ही इसको बोला जाता है पुराणों में ये बात करें तो इसको मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से, मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था शिव की ब्रह्म और मैनाक पर्वत के नाम से। यहाँ इसको हिमालय का पाद यानी कि पैर, हिमालय का पाद भी इसको बोला जा सकता है क्योंकि सबसे नीचे है ये, तो इसको हिमालय का पाद यानी कि हिमालय का पैर भी शिवालिक श्रेणी को कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं इसको बोले कि कई इसमें घाटियां हैं लघु हिमालय की श्रेणी में, कई कई घाटियां हैं इनके बीच में, पूर्वी घाटी है पश्चिमी घाटियां हैं, पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर जैसे हमारा काठमांडू क्षेत्र हो गया और पश्चिम की ओर गया दून एवं द्वार क्षेत्र। साथ ही मैंने बताया कि यहाँ पे जो शिवालिक की जो का अर्थ होता है क्या है, शिव और अलग यानी कि शिव की भौं है यानी आईब्रोज। ठीक है, उसको भी इसको कहा जाता है शिवालिक को। और साथ ही हमें हिमालय के पाद इसको बोला जाता है कि हिमालय के पैर, और पुराणों में इसको मैनाक पर्वत के नाम से इसको जाना जाता था। इसके निचले क्षेत्र अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो इसके नीचे हमारा आता है भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और उत्तरी गंगा का जो मैदान है। ठीक है, गंगा का मैदान जो है इसमें सबसे पहले तो भाबर क्षेत्र, फिर तराई और फिर गंगा का मैदान इसका आता है। इसको और नीचे लेके चला जाता हूँ, लास्ट तक जाएं तो उसको और नीचे लेके, तो उत्तरी पर्वत जैसे पर्वतों का दिया हुआ था इसलिए हमने इसको डिवाइड किया, लेकिन हर हमेशा भौगोलिक स्वरूप की बात करेंगे तो ये और नीचे आएगा, हमारा भौतिक स्वरूप आगे बढ़ाएंगे तो और नीचे आएगा, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और गंगा का मैदान। ठीक है, तो ये जो आपके पास है तो हमारा हुआ उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र। अब इसमें हम लेके चलते हैं कि विशाल मैदान, प्रायद्वीप पठारों के बारे में पढ़ेंगे और समुद्र तटीय के बारे में पढ़ेंगे। पॉजिटिव टाउन आपके पास है, जैसे कि हमारे पास अरावली की पहाड़ियां, एक बार इससे क्वेश्चन आ जाता है कि अरावली की पहाड़ियां कहां पर स्थित, तो अरावली की पहाड़ियां जो है वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो राजस्थान में स्थित है और ये सबसे पुरानी चट्टानों की बनी हुई, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है अरावली। ठीक है, सबसे पुरानी चट्टानों की बनी हुई है अरावली पर्वतमाला, सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई है। साथ ही जो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट आबू के निकट जो है गुरु शिखर है। कौन सी है, गुरु शिखर, जो अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो उसे कहते हैं गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है लगभग 1722 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है गुरु शिखर की। तो अरावली की पहाड़ियां जो है वो राजस्थान में है और सबसे पुराने चट्टानों से बनी हुई, सबसे पुरानी जो पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला मानी जाती है। और माउंट आबू के निकट जो इसका सबसे ऊंचा जो सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट आबू जिसका पर्वत है उसके नीचे जो के पास जो है वो गुरु शिखर चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अरावली की जो पश्चिमी ओर से, इसके पश्चिमी ओर से लूनी एवं माही दो नदियां निकलती हैं। तो लूनी एवं माही नदियां जो निकलती है और जो यहां से होते हुए जो क्या होती है अरब सागर की लूनी नदी, तो कच्छ केरल में जाकर क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, कच्छ गुजरात है ना, यहां पर क्या हो जाती है जाकर गुजरात में, यानी कि जो कच्छ केरल में जाकर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। कच्छ केरल एक दलदली पार्ट है, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ गुजरात में स्थित है और इस पर जैसे कि कश्मीर एक मुद्दा बना रहता है जिस पर पाकिस्तान अपना कुछ पार्ट बने का अधिकार जो दावा करता है, तो उसी तरीके से कच्छ केरल को भी बोलता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कच्छ केरल क्या है, इसे बहुत सारे खनिज पदार्थ वगैरह जो भी चीजें क्योंकि बहुत कीमती है, जो भारत उसे क्या कहते हैं दलदल के रूप में यहाँ पर देखता है, एक दलदली क्षेत्र लेकिन दे नहीं सकता है। ठीक है, तो वो एक ये भी विवाद भी है लेकिन ये इतना ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है, तो कच्छ केरल जो है वो कच्छ केरल में लोनी जो नदी है वो कच्छ केरल में जाकर गिरती है। इसके पूर्व में ही एक नदी निकलती है, पूर्व में राजस्थान में
जो अरावली की पूर्व से नदी निकलती है इसका नाम है बनास नदी। कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। अब शायद पहली बार आपने इसका नाम सुना होगा कि ये मोस्टली बहुत कम बुक्स में इसका जिक्र होता है कि जो अरावली के पूर्व से बहने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी है, तो वह है बनास नदी। अरावली पर्वत के पूर्व से निकलती है ये, ठीक है, पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। तो बनास नदी ये सिर्फ राजस्थान में ही बहती है, एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी बाहर दूसरी जगह नहीं जाती है, ठीक है, एकमात्र क्या है ऐसी नदी जो बाहर किसी दूसरे स्टेट में नहीं जाती, सिर्फ राजस्थान में ही ये बहती है। बनास के नाम से बनास नदी क्या है, रिवर ऑफ एम्पेरल इसको बोला जाता है, ठीक है, रिवर ऑफ एम्पेरल इसको बोला जाता है बनास नदी को। तो अगला देखते हैं हम नेक्स्ट अरावली के पहाड़ी के बारे में, जैसे मालवा का पठार, ठीक है। तो मालवा का जो पठार है तो ये आता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आता है, और हम लेके चले तो पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र आता है वो हमारा मालवा का पठार कहलाता है, ठीक है, जो कि क्या है एक ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है, जो एक ज्वालामुखी चट्टानों का उदाहरण नहीं है, ठीक है, ज्वालामुखी है चट्टानों का उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स, ठीक है, जो आपके ये है ज्वालामुखी चट्टानों का क्या है उदाहरण है मालवा का पठार। इसी से जो है चंबल और बेतवा नदियां निकलती हैं, इसी से क्या होता है चंबल और बेतवा नदी निकलती है, किसे, मालवा के पठार से। और चंबल और बेतवा नदी जो है वो यमुना की सहायक नदियां हैं, ठीक है, यमुना की सहायक नदियों को अगर हम लेके चले उसकी ट्रिक के तो बेच के, ठीक है, बेच के से नाम यमुना की सहायक नदी है, चंबल बेतवा के बेस आपको पता चलता है बेतवा चौसे चंबल कौसके, तो ये सारी यमुना की सहायक नदियां हैं। तो जो चंबल की मालवा की जो पठार से दो नदियां निकलती हैं चंबल और बेतवा, जो कि यमुना की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अगला लेके चलते हैं कि विंध्याचल का पठार, ठीक है, तो विंध्याचल पठार कहाँ कहाँ स्थित है वो लेके चलते हैं इसमें। तो विंध्याचल का पठार हमारा यूपी झारखंड में फैला हुआ है, ठीक है, तो इसका जो पार्ट है विंध्याचल का पठार का वो है झारखंड, यूपी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ये पार्ट फैला हुआ है इसका विंध्याचल के पठार का। तो झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ये बैठा जो फैला हुआ है विंध्याचल का पठार, जो कि एक पर्वतदार पर्वत है, ठीक है, पर्वतदार पर्वत के एग्जाम्पल है विंध्याचल पठार। अभी क्वेश्चन जो अभी एग्जाम तो विंध्याचल पर्वत के नाम के बारे में पूछा था कि विंध्याचल पर्वत श्रेणियां कहां पर स्थित है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणियां सतपुड़ा और रेंज हो गया, ये सारे हमारे मध्य प्रदेश में है, लेकिन अगर पठार की बात करता तो ये तीनों में है, ठीक है, झारखंड यूपी और दक्षिण पूर्व राजस्थान में ये फैला हुआ जो एक पर्वतार है, और जो विंध्याचल पर्वत है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एक बॉर्डर का काम करता है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, ठीक है। तो विंध्याचल जो पर्वतमाला है वो क्या करती है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है विंध्याचल पर्वतमाला। अगला देखते हैं छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो कहां पर स्थित है, रांची में, ठीक है, झारखंड रांची में, या रांची स्टेट की बात करेंगे तो झारखंड, और अगर एग्जिट प्लेस की बात करेंगे तो रांची। तो आपका छोटा नागपुर का पठार जो है वो रांची में स्थित है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से ये एक बहुत ही संपन्न प्रदेश है, बहुत ही संपन्न क्षेत्र है ये, खनिज पदार्थों की दृष्टि से जो है छोटा नागपुर का जो पठार है बहुत ही संपन्न माना जाता है, इसीलिए छोटा नागपुर के पठार को इसी वजह से भारत का रूर भी कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का रूर के नाम से किसे जाना जाता है, छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, ठीक है, और एक बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि जो भारत का जो छोटा नागपुर का जो पठार है वो खनिज पदार्थों की दृष्टि से संपन्न है। तो तीन चार स्टेटमेंट थे वहाँ पे मिसिंग, यानी कि जो गलत जो था रॉन्ग आपको देखना था कि गलत क्या होगा, ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली करेक्ट था, तो उसने सही से दिया हुआ था इसको, तो लेकिन जब पता होगा तभी हम इसके बारे में बोल सकते बता सकते हैं। तो झारखंड जो है रांची
मैसित है और साथ ही ये जो एक संपन्न है किस चीज की तरह से, खनिज पदार्थों की दृष्टि से क्या है, एक संपन्न प्रदेश है जिसके कारण इसे भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, अगला लिखते हैं सतपुड़ा की पहाड़ियां। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बता दिया कि सतपुड़ा की पहाड़ियां विंध्याचल की पहाड़ियां जो है वो कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो है मध्य प्रदेश में, कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो हमारे जो जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं ये भी हमारे जैसे कि एक ज्वालामुखी और चट्टानों का भी उदाहरण, जैसे हिमालय का पठार था ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है। तो सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। और सतपुड़ा की पहाड़ी की एक बहुत खासियत है, यहाँ से बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्टेट लेवल से लेकर आप एसएससी लेवल के एग्जाम में भी देखेंगे, कई बार आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा कि सतपुड़ा रेंज की जो सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है धूपगढ़ी। कौन सी है, धूपगढ़ी, जो इसकी जो हाइट जो है वो 1350 या 55 के आसपास इसकी, तो 1350 मीटर इसकी हाइट है धूपगढ़ी की। ठीक है, इसी चीज से हम लेकर लेके चलेंगे। ओके, सतपुड़ा की पहाड़ी के बारे में लेके चलेंगे यहाँ पे। दूसरे यहाँ पे कि जो इसका जो पूर्वी हिस्से से यानी कि जो सब पूर्वी भाग है, अब ये जो देखिए कि महादेव पहाड़ी इसी में स्थित है, सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं महादेव जो पहाड़ियां हैं वो इसी में स्थित है, महादेव पहाड़ियां। ठीक है, वो सतपुड़ा रेंज में ही स्थित है। ठीक है, जो कि या जिसके इसकी धूपगढ़ी का जो है एक पार्ट है, धूपगढ़ी का ही एक पार्ट है महादेव की पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियां में जो है। ठीक है, साथ ही इसमें इसके पूर्वी हिस्से से एक नदी निकलती है ताप्ती। कौन सी नदी निकलती है, ताप्ती नदी यहाँ से निकलती है, ताप्ती नदी निकलती है हमारे कहाँ से, सतपुड़ा की पहाड़ियों से। अगला लेके चलते हैं मैकाले का पठार, मैकाल का पठार। ठीक है, साथ साथ नोट्स आप बनाते जाइए क्योंकि मैं शॉर्ट चीज इसको आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ शॉर्ट नोट्स में, ताकि आपको वही चीज आपको मिले। ठीक है, और बाकी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगला लेके चलते हैं कि मैकाल का पठार, मैकाल का पठार, तो मैकाल का पठार कहां पर है, छत्तीसगढ़ में, कहां पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में। मैकाल के पठार जो है छत्तीसगढ़ में है, और इसकी अगर हम बात करें इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है अमरकंटक। ठीक है, जहां से नर्मदा और एक कौन नदियां निकलती हैं, अमरकंटक के पहाड़ियों से, यहां से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन। आप लोगों के साथ जब मैं इसके बारे में फिर से डिस्कस करूंगा, जब हम नदियों के बारे में पढ़ूंगा, फिर मैं इस चीज को पूछूंगा आप लोगों से। ठीक है, ये नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम स्थल कहां से है। ठीक है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से क्या आता है, नर्मदा एवं सोन नदियां निकलती हैं। और साथ ही एक और नदी है इसमें महानदी, महानदी भी निकलती है जिसके दक्षिणी क्षेत्र से निकलती है, नर्मदा क्षेत्र से। तो ये हमारे कुछ पठार जो थे, जो हमने दूसरा पार्ट पर्वतीय पठार जो हमने देखे चले थे यहाँ पे हम, तो उसके बारे में हमें हमारे पास ये। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि जो सहयात्री होता है वो क्या होता है, एक टॉपिक आता है कि सहयात्री। ठीक है, तो पश्चिमी घाट से सौराष्ट्र प्रदेश, पश्चिमी घाट से सौराष्ट्र प्रदेश तक का जो क्षेत्र आता है कि गिर की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, सहयात्री कहा जाता है। सौराष्ट्र की जो पहाड़ियों का जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, सहयात्री बोलते हैं। ठीक है, जहां पर क्या होता है एशियाई शेर बहुत ही ज्यादा मात्रा में वहां पर पाए जाते हैं, उसके लिए वो जाना जाता है। ठीक है, अगला पठार हमारा जो है दक्कन का पठार है। ठीक है, तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारा है दक्कन का पठार, तो दक्कन का पठार कहां पर स्थित है, दक्कन का पठार सबसे पहले तो हमारा जो है ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है, ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ हमारा क्या है, दक्कन का पठार है, जो कि कहां पर स्थित है, वो है हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। दक्कन का पठार है वो कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, और ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। और ये जो क्षेत्र है आपने मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे तो काली मिट्टी का सबसे बड़ा एरिया है यहाँ पे,
काली मिट्टी का क्षेत्र है ये दक्कन का पठार, ठीक है। हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, भारत की कृषि के बारे में जो पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो काली मिट्टी का कहाँ का किस किस का कितना कितना क्षेत्र काली मिट्टी का, तो दक्कन का पठार उसमें से एक है जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और इसका जो एक क्वेश्चन आता है कि विदर्भ था इसका, इसके पूर्वी भाग को, इसका जो पूर्वी भाग है जो दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को कहा जाता है विदर्भ। मैं सिर्फ आपके पास की पॉइंट से लेके चल रहा हूँ उसके लिए, बाकी मैं सब आपको बता रहा हूँ, बाकी जो की पॉइंट है मैं आपके लिए आगे लिख रहा हूँ, नोट्स आपको कैसे बनाना है, सिर्फ नोट आप वो चीज़ करिए और उसको समझने की कोशिश करेगी कि क्या आपने एक्सप्लेन किया गया, क्या चीज़ें बताई गई थी, ठीक है। क्योंकि आपके पास शॉर्टली इसी तरीके से क्वेश्चन बन कर आते हैं कि दक्कन का पठार कहाँ से था, महाराष्ट्र में स्थित है। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी बेसाल्ट का उदाहरण है, बेसाल्ट चट्टानों का उदाहरण है। तो सीधी सी बात है कि हमारे अगर ऑप्शन में आप देखेंगे, अगर आपको याद है कि दक्षिण का पठार भी इसमें से, दक्कन का पठार भी इसमें से एक है, तो आप इजीली से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए चलते हैं अभी धारवाड़ का पठार। तो धारवाड़ का पठार से बात है वो कहां पर है, धारवाड़ का पठार है कर्नाटक में। ये एक परिवर्तित चट्टानों का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, परिवर्तित चट्टानों का उदाहरण है, परिवर्तित चट्टानों का उदाहरण है धारवाड़ का पठार, जो कि कहां पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक पठार का जो पश्चिमी भाग में जो है, तो इसकी इसी के बाबूबुदन की पहाड़ियां, बुदन की पहाड़ियां और एक ब्रह्मगिरी, आपने नाम सुना होगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, तो बाबूबुदन की पहाड़ियां और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां जो है वो धारवाड़ के पश्चिमी भाग में ही स्थित हैं, ठीक है। धारवाड़ क्षेत्र के पश्चिमी भाग में ही ये स्थित हैं। अगर लेके चलते हैं कि नीलगिरी की घाटियां, नीलगिरी पर्वत श्रेणी, जैसे मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा और इन चीज को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको सिर्फ जो की पॉइंट्स है वो नोट करना है यहाँ से। ये मैं आज ही पूरा का पूरा टॉपिक भौतिक स्वरूप खत्म करना, भौतिक स्वरूप है तो बहुत बड़ा, ठीक है, लेकिन हम इसको इतिहास खत्म करने जा रहे हैं। वैसे उसको अगला लेके चलते हैं कि आप नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है। अगला हमारे पास है नीलगिरी की पहाड़ियां। एक्चुअली मैं आपके साथ नोट्स के साथ ही पढ़ा रहा हूँ, जो नोट्स मैं बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जो टॉपिक था जो मैंने बिना नोट्स के इसको पढ़ाया था, जहाँ पे जिस तरीके से याद आता है उस तरीके से मैं करवा लूंगा। नोट्स में ये होता है कि हमारे सीरीज पता है कि कहाँ पे क्या चीज आने वाली है आगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाने में आसानी होती है। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको आज लेके चल रहा हूँ, ताकि हमें एक वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप आपको करवा सकूँ, ठीक है, आगे पीछे ना। तो अगला है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जैसे कि हमें पता है कहाँ पर स्थित है, ये हमारी है तमिलनाडु में, जो कि एक ब्लॉक पर्वत है तमिलनाडु में। ये क्या है, एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत का मतलब क्या होता है, ब्लॉक पर्वत का मतलब होता है कि धरातल में आए हुए भ्रंश के कारण जब इस धरातल का कोई पार्ट, यानी कि जो बीच का पार्ट नीचे धस जाता है और उसके किनारे के पार्ट ऊपर उठ जाते हैं, वो होता है हमारा ब्लॉक पर्वत, ठीक है। जब किसी भी घाटी का, जो किसी भी धरातल का बीच का पार्ट नीचे धस जाता है और किनारे के पार्ट उसके दो ऊपर उठ जाते हैं, उसे बोलते हैं ब्लॉक पर्वत, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रिफ्ट घाटी, जो बीच का जो पार्ट होता है वो रिफ्ट घाटी कहलाता है। क्या कहलाता है, रिफ्ट घाटी कहलाता है। और रिफ्ट घाटी विश्व की सबसे बड़ी रिफ्ट घाटी का है जॉर्डन घाटी, ठीक है। हम अभी डिस्कस करेंगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, हमें ये चीजें पढ़ेंगे, ब्लॉक पर्वत वगैरह, ठीक है। ब्लॉक पर्वत क्या होता है, वरित पर्वत क्या होता है, संचित पर्वत क्या होता है, अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, आग्नेय अवसादी कारण कितनी चट्टानें थी, किस प्रकार की होती है, ठीक है। इससे बीच बीच से क्वेश्चन बनकर आते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन नहीं आता, बस इस तरीके से बीच बीच से क्वेश्चन बनकर आते हैं। जैसे आपके पास बोल रहे कि निम्न में से कौन सा ब्लॉक पर्वत उदाहरण है, सतपुड़ा की पहाड़ियां, बिंध्याचल की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास पता है कि ब्लॉक की पर्वत का श्रेणी क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियां ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो मैं सिर्फ आपको की पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। बाकी आप जो एक्सप्लेन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगता है तो आप उसमें वीडियो को नोट, वीडियो को पॉज करके आप उसे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे कह रहा हूँ। तो नीलगिरी की पहाड़ी में तमिलनाडु, और जो है नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु में, और जो इसका जो जो उदाहरण है ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसका जो एक मुख्य पठार है चार्नोकाइट, चार्नोकाइट जो नीलगिरी का एक मुख्य पठार है ये, ठीक है।
नीलगिरी का एक मुख्य पठार है, और जो नीलगिरी की सबसे पास होती है, जैसे कि मैंने आपको सतपुड़ा रेंज की बताया, धूपगढ़ी सॉरी धूपगढ़ी है ना, धूपगढ़ी इसका मैंने जो विंध्याचल की सॉरी सतपुड़ा पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी थी, उसी तरीके से नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो का नाम जो है वो दोदा बेटा, दोदा बेटा, ठीक है, दोदा बेटा जो है वो इस रेंज की सबसे ऊंची श्रेणी है, और कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा, या नीलगिरी की, नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी क्या है, दोदा बेटा, ठीक है। अब इसकी देखते हैं कि इसकी हाइट है कितनी, तो इसकी हाइट है 2667 किलोमीटर 67 मीटर 2637 मीटर जो है वो दोदा बेटा की हाइट है, और जो नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ियों के साथ साथ ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से इसको जाना जाता है, या नाम से यानी कि है वो, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज, एक प्लेस है बहुत ही फेमस प्लेस है, उटकमंड, उटकमंड, उटकमंड भी आपका नीलगिरी पर्वत श्रेणी में ही स्थित है, कहाँ पर स्थित है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी में, ठीक है। तो ये जो आपके पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में की पॉइंट्स आप बता रहा हूँ आपको, तो जिस तरीके से आपके पास पूरा यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको लिख नहीं, बल्कि मैं आपको ज्यादा से एक्सप्लेन करके यहाँ पे सिर्फ की पॉइंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जैसे कि ब्लॉक पर्वत क्या है, उसकी उदाहरण है, ठीक है, आप उसमें लिख सकते हैं कि नीलगिरी उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में है, उटकमंड और चारणों का क्या है, इसका एक बहुत ही आपको मुख्य तरीके फेमस पठार यहाँ पे कह सकते हैं नीलगिरी पर्वत का, या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में आपको पता है कि दोदा बेटा, या नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, ठीक है। अब इसी चीज में देखते हैं कि नीलगिरी का जो, या तमिलनाडु का जो नीलगिरी है ना, नीलगिरी के दक्षिणी भाग में, नीलगिरी के दक्षिणी भाग में स्थित है पालघाट, नीलगिरी के दक्षिणी भाग में पालघाट स्थित है, नोट कर सकते हैं आप, नीलगिरी यानी कि जो दक्षिणी भाग है, नीलगिरी का जो दक्षिणी भाग है वहां पर क्या स्थित है, पालघाट स्थित है, पालघाट जो है वो एक गैप है वहां पे, ठीक है, पालघाट क्या है, एक गैप है जो कि पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का मिलन जो है, ठीक है, ये जो आपका जो है एक घाट, एक ये बीच का जो पार्ट है, और यहाँ पे पूर्वी घाट, ठीक है, और पश्चिमी घाट का जो मिलन, जो मिलन स्थल है, या जो यहाँ पे मिल रहे हैं इनका जो बीच का जो पॉइंट है वो कहलाता है पालघाट, नीलगिरी के दक्षिण में स्थित पालघाट मुख्यतः क्या है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल, एक गैप यहाँ पे इसमें लिखा गया है, ठीक है। यहाँ हम इसको कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी में हो सकती है, कि नीलगिरी पहाड़ी में तो क्या है, पालघाट स्थित है, क्वेश्चन घुमा फिर आगे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि नीलगिरी की पहाड़ी में ही पालघाट स्थित है, यहाँ कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या है, या मिलन केंद्र क्या है, वो हमारा है नीलगिरी की पहाड़ियां है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, तो पहली कौन सी है ना, पहली कौन सी है, तो पहली जो चोटी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नामलाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है, चोटियों के बारे में जो हमारे जो जो ये जो पर्वत श्रेणी चोटियां हैं इनके बारे में तो डेफिनेटली, जो पीक्स हमारी हैं माउंटेन पीक्स इनके बारे में तो डेफिनेटली याद रखिए, आप ढंग से याद कर लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है इससे, ठीक है। तो भारतीय स्ट्रक्चर है उसके बारे में, भौतिक स्वरूप के बारे में, फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन डेफिनेटली बन कराता है, और अगर बन कराना होगा तो पर्वतों और चोटियों के बारे में क्वेश्चन आपके पास जरूर आता है। तो जैसे भी पूछा भी गया था, जैसा आपको बताया कि इसके बारे में पूछा गया था विंध्याचल की पहाड़ियों के बारे में, विंध्याचल की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, विंध्याचल पठार की बात होती है तो झारखंड, और झारखंड में हो गया यूपी और दक्षिण पूर्व राजस्थान में, लेकिन विंध्याचल पहाड़ियों की बात अगर होती है तो वो कहाँ पर स्थित है, वो हमारे के मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा विंध्याचल की पहाड़ियां जो है हमारी कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है। तो अन्नामलाई जो है केंद्र बिंदु है, उसको बोल सकते हैं 2900 कुछ इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है इसकी अन्नामलाई की, पहली जो अन्नामलाई सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई, दूसरी जो है वो दोदा बेटा, सतपुड़ा रेंज की अगर बात करें हम तो है धूपगढ़ी, ठीक है,
और जो जो इनसे जो निकलने वाली कहाँ कहाँ से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं इसके बारे में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पठारों जो जो इसके पठार होते हैं या घाट होते हैं, ठीक है, या तट स्थित, इसी बात हम कहते समुद्र तटीय भागों के बारे में पढ़ेंगे, तटों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पॉसिबिलिटी नोट डाउन हो गया, तो नोट हो गया ना सर। चलिए आगे देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट इसमें था कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो तटीय भाग है, एक आता है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ है, इसमें स्किप हो गया आगे थोड़ा, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां, तो ये हमारा है आंध्र प्रदेश से उड़ीसा का तटीय भाग। आंध्र प्रदेश से उड़ीसा का जो तटीय भाग होता है वो कहलाता है हमारा महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। अब लेके चलते हैं कि तटीय भाग है, समुद्र तटीय भाग जो है भारत का, तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट दो तरह से है ना, पूर्वी क्षेत्र का जो हमारा पूर्वी तट कहलाता है, पश्चिमी क्षेत्र का जो है पश्चिमी तट कहलाता है। पूर्वी तट जो लेके चलेंगे हम, तो देखिए हमारा नीचे कन्याकुमारी है, तमिलनाडु है ना, नीचे जो लास्ट पॉइंट जो है कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी से ऊपर जो है वो कृष्णा डेल्टा तट का जो भाग होता है वो आता है हमारा कोरमंडल तट। ठीक है, गोलकुंडा तट कृष्णा से गोदावरी तक का जो पार्ट आता है, गोदावरी डेल्टा तक का जो पार्ट आता है वो होता है गोलकुंडा तट। उत्तरी सरकार तट गोदावरी से और उत्तरी भाग जो होता है वो हमारा आता है गोदावरी। ठीक है, फिर आता है हमारा, अब नीचे से देखिए इसको, कन्याकुमारी में छोटे छोटे ऊपर अगर नीचे आता है तो तट गोदावरी, गोदावरी से कृष्णा का आता है गोलकुंडा, और कृष्णा तट से कन्याकुमारी आ जाता है कोरमंडल तक, जो लास्ट आता है हमारा एंड पॉइंट कन्याकुमारी तक। ठीक है, कोरमंडल तक आता है, अब वहां से ऊपर से जाते हैं तो कन्याकुमारी से और मंगलोर तक का, मंगलोर मतलब कर्नाटक में, ठीक है, तो कन्याकुमारी से मंगलोर तक का जो तट आता है वो आता है हमारा मालाबार तट। मंगलोर से गोवा से ऊपर तक जो तट आता है, मंगलोर से जब ऊपर गोवा की तरफ जाते हैं तो जो पूरा का जो बीच का जो समुद्र तट या पार्ट जो होता है, पश्चिमी तट जो भाग होता है मंगलोर कर्नाटक से गोवा तक का, वो लोग बोलते हैं केनरा तट या कन्नड़ तट जिसको बोला जाता है, कहीं जब कन्नड़ तट किसको मिलेगा, तो केनरा से कन्नड़ और फिर गोवा से गुजरात का जो तट होता है वो आता है कोंकण तट में। तो आप उसी तरीके से उसको याद रखिए, यहाँ से जब हम आते हैं उत्तरी भाग से तो हमारा उत्तरी सरकार तट होते हुए, ठीक है, तो गोदावरी से उत्तरी भाग से गोदावरी, फिर गोदावरी से कृष्णा तट का गोलकुंडा तट, और फिर गोलकुंडा तट से उसके बाद कोरमंडल तट, जो कृष्णा तट से कन्याकुमारी तक होता है लास्ट मार्च से, फिर यहाँ कन्याकुमारी से ऊपर चलो, कन्याकुमारी से मंगलोर का तट होता है मालाबार तट, मंगलोर से यानी कि मंगलोर कर्नाटक में, और कर्नाटक से ऊपर गोवा तक का जो तट होता है वो आपका केनरा या कन्नड़ तट, और उससे ऊपर का हम पार लेके चलते गुजरात तक का, गोवा से गुजरात तक का तट तो हमारा आता है कोंकण तट। क्या तट आता है? कोंकण तट के रूप में इसको जाना जाता है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम नेक्स्ट लेके चलते हैं कि जो भारतीय जो अंतराल है, जो जल अंतराल है, तो कौन कौन से भारत के बीच जल अंतराल वो देखते हैं। तो नेक्स्ट जैसे कि आपके पास प्रमुख जल अंतराल के बारे में है कि हमारे पास कई बार जल अंतराल आ जाते हैं, इसके भी एग्जाम जिसके मैं अभी ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम होता है टेंडी चैनल आपका आया हुआ, तो कई बार पूछ लेता है इसके बारे में, तो यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस, जैसे कि मेरा फर्स्ट जो आता है इसमें, तो 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री चैनल वो है आपका मालदीव और मिनिकार के मध्य, मालदीव और मिनिकार के मध्य 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है वो हमारा है कवारती और मिनिकॉय, कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है, या लक्षद्वीप या मिनिकॉय के मध्य भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि लक्षद्वीप जो है क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य भी इसको बोला जा सकता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और कार निकोबार के मध्य आता है, छोटा अंडमान और कार निकोबार। ग्रेट चैनल जो आता है वो हमारा आता है सुमात्रा, सुमात्रा हमारा पड़ता है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया और निकोबार के जो मध्य का जो बीच जो है तो ग्रेट निकोबार है, पाकिस्तान तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच पाकिस्तान या पाकिस्तान की खाड़ी, ठीक है, दोनों है नाम, ये अलग अलग है और है भी दोनों चीज, दो प्लेस है ये, ठीक है, एक ही जरूरी नहीं कि आप पाकिस्तान को पाकिस्तान की खाड़ी बोल रहे हैं, ठीक है, तो पाक खाड़ी अलग हो गया और लेकिन है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में ही, तो पाकिस्तान और पाक खाड़ी कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। डुक्कन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच में है, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। कोको स्टेट जो है वो कोको द्वीप हमारा है म्यांमार,
ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि उत्तरी म्यांमार और उत्तरी अंडमान में इसको बोला जा सकता है, या कोकोद्वीप और अंडमान उत्तरी अंडमान के बीच में है। मन्नार की खाड़ी हमारे दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, यानी कि दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। तो और एक यहाँ पे एक और बचा हुआ यहाँ पे लक्षद्वीप सागर, तो लक्षद्वीप जो सागर है वो लक्षद्वीप नीचे जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप से और तमिलनाडु के बीच का जो मालाबार के बीच का पार्ट है, तो लक्षद्वीप सागर है। लक्षद्वीप और जो हमारा दूसरा आता है यहाँ पे मालाबार के मध्य, तो ये जो प्रमुख जल अंतराल हैं, इनको आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत बार क्वेश्चन ये बनकर आता है, ठीक है। तो ये आपका था भौतिक स्वरूप भारत का, ठीक है। तो जो एक सेतु समुद्रम परियोजना जो है, एक आपने नाम सुना होगा सेतु समुद्रम परियोजना, तो सेतु समुद्रम परियोजना जो है वो पाकिस्तान की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है। सेतु समुद्रम परियोजना जो है वो मन्नार की खाड़ी को पाकिस्तान की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है। अगला यहाँ पे जैसे कि हमारे पास अब जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी से अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, और इसी में अंडमान जो है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान जो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे 247 छोटे बड़े द्वीप वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग तरीके से वो बताया गया है। तो जो शॉर्ट नोट्स है, तो अभी जो आपको जो इम्पोर्टेंट था मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और वीडियो आपको कितना हेल्पफुल रहा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।